बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम पढ़े थे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हमने स्किन पढ़ा था, लंग्स और किडनी। आज हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के स्ट्रक्चर और साथ में इसका फंक्शन। फंक्शन पढ़ने से पहले किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर का पता होना हमें लाजमी है, ताकि हम स्ट्रक्चर फंक्शन तब तक नहीं पढ़ सकेंगे जब तक हम स्ट्रक्चर नहीं पता होगा। स्ट्रक्चर इसलिए लाजमी है क्योंकि स्ट्रक्चर जो जो अंदर चीज़ें मौजूद हैं, अंदर वाली चीज़ों का क्या क्या काम है और कौन कौन सी चीज़ का क्या काम है, इसलिए हमें स्ट्रक्चर का पहले पता होना लाजमी है कि कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है और उसका क्या क्या काम है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम किडनी का देखते हैं, किडनी है क्या चीज़। इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, डार्क रेड बीन शेप। ये बीन शेप लोबिये के दाने की तरह होती है, डार्क रेड होती है। डार्क रेड काफ़ी ज़्यादा डार्क रेड, जिसको उर्दू में अगर कहें तो कलेजी के रंग की। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर एवरेज जो अडल्ट ह्यूमन है, अडल्ट ह्यूमन जो जवान है उसकी अगर एवरेज अगर देखें तो उसका साइज़ कितना होगा, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर विड्थ, 4 सेंटीमीटर थिक। इसके साथ साथ 120 ग्राम उसका वेट होगा। और इसकी अगर लोकेशन की बात करें, लोकेशन होगी बैक वाल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की बैक वाल बिल्कुल पीछे वाली साइड पर होगी। एब्डोमिनल कैविटी की अगर आगे वाली साइड पे देखें तो इसके अंदर स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, और उनके पीछे बैक वाल की तरफ क्या चीज़ होगी, किडनी पाई जाती है। दूसरा, बिलो द डायफ्राम, जो लंग्स के नीचे डायफ्राम है, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे किडनीज पाई जा रही हैं। ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, जो दरमियान में रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे, एक किडनी राइट साइड पे, एक किडनी लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पे एक एक किडनी मौजूद है। प्रोटेक्टेड बाय द टू लास्ट रिब्स, जो 24 रिब्स हैं उनके अंदर से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, उनके जो लास्ट वाले दो पेयर्स हैं सबसे नीचे वाले, वो क्या कर रही हैं, प्रोटेक्ट कर रही हैं किडनी को किसी भी एक्सटर्नल लॉस से, एक्सटर्नल डैमेज से। एक दूसरा, लेफ्ट किडनी लिटल हायर, जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर वाली साइड पे होती है, ताकि उसके नीचे क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, स्टमक वगैरह मौजूद होता है। ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, प्रॉपर स्ट्रक्चर की बात करें, तो अगर हम बाहर की तरफ से देखें उसका किडनी निकाल के, किडनी अगर हम आम आँख से देखें तो हमें किस तरह नज़र आ रही होती है, इस तरह की नज़र आ रही होती है। इसके अंदर ये कुछ आर्टरीज, वेन्स और ये यूरेटर जा रहा है। अब हम आस्ते आस्ते सबका फंक्शन देखेंगे। और ये दरमियान में जो पोर्शन होता है ना, ये क्या होता है, हाइलक्स। ये हाइलक्स ऐसा पोर्शन है जहाँ पे यूरेटर, ब्लड वेसल्स और यूरिन जो बाहर, जिस जरिए बाहर आता है यूरेटर से, ये सारी कलेक्ट हो रही हैं, यही यहाँ से अंदर भी जा रही हैं, और यहाँ से चीज़ें अंदर जाती हैं किडनी के अंदर, और यहाँ से चीज़ें बाहर आती हैं, ये हाइलक्स वाले पोर्शन से। और इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, ये वाला, ये इसको कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन, इसको कहते हैं कॉर्टेक्स रीजन। और इसी की बुनियाद पे हमने क्या चीज़ें की हुई हैं, इसको जब काट के, ये तो सिंपल है बाहर जो स्ट्रक्चर आउटसाइड से देख रहे हैं, जब इसको दरमियान से काटा जाता है, काटने के बाद जो इसका हाफ पोर्शन है, हम हाफ पोर्शन को देखते हैं और इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। ये हाफ पोर्शन को जब हम देखते हैं तो हमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर नज़र आता है। जो बाहर वाला पोर्शन है वो डार्क होता है, अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, थोड़ा सा हल्का रंग होता है, रेड होता है, लेकिन यह कि रेड हल्का रंग होता है, ये डार्क रेड होता है, ये लाइट रेड होता है। जो बाहर वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं, रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है, जो पेल रेड कलर होता है, उसको कहते हैं रीनल मेडोला। और इसके अंदर ये पैरामिड्स पाए जा रहे हैं, इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, पैरामिड्स। और ये पैरामिड्स, इनको क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड्स, इनको क्या कहते हैं, रीनल पैरामिड्स। उसके बाद आ गया आर्टरीज क्या कर रही हैं, आर्टरीज यहाँ से अंदर जा रही हैं और आगे जाके डिवाइड हो रही हैं कैपिलरीज में, और कैपिलरीज पूरी किडनी के तमाम सेल्स तक क्या लेके जा रहे हैं, ब्लड को लेके जा रहा है। दूसरा क्या, वेंस क्या है कि जो खून डीऑक्सीजनेटेड है, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर से ऑक्सीजन यूज हो गई है, उसको यहाँ से पूरी बॉडी से, पूरी किडनी से वापस लेके आता है। और यहाँ पर ये एक पोर्शन होता है यूरेटर। यूरेटर क्या चीज़ होती है, यूरेटर क्या करती है,
कि पूरी किडनी के अंदर से जो यूरिन निकाला है, फिल्टर हुआ है, उसको यूरिन को फिल्टर को यहाँ से निकाला जाता है। यह था सिंपल स्ट्रक्चर और इसका मोटा मोटा मेन मेन चीज़ों का जो फंक्शन मैंने बताना था वो इसका बता दिया। और यहाँ से फिर एक और चीज़ भी इसका, एक ये सारी चीज़ें जो यहाँ से यूरिन ने कलेक्ट होना होता है वो यहाँ पर कनेक्ट होना होता है पेल्विस ने, और पेल्विस ने आगे यहाँ पर ड्रेन होना होता है यूरेटर में। ये था स्ट्रक्चर किसका, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। अब इसके अंदर जो मेन चीज़ आती है इसके अंदर, ये तो था सिंपल हमने जो आम आंख से देखा। अब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो चीज़ आती है वो इसका जो मेन फंक्शन, फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। जो किडनी का मेन फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, नेफ्रॉन। इसलिए अब हम नेफ्रॉन के फंक्शन को देखेंगे, नेफ्रॉन का फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले इसका, इसकी डायग्राम, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है। और यहाँ पर ये टर्न्स जो आते हैं, ये टर्न्स चेंजिंग भी आ सकती है, ये एग्जैक्ट नहीं है कि इस तरह ही टर्न हो। ये टर्न्स अगर आपसे इस तरह नहीं बन रही तो डायग्राम, तो आप ये क्या टर्न्स जो है ये थोड़ी सी चेंजिंग भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कलेक्ट हो रहे होते हैं, और ये क्या चीज़ है, नेफ्रॉन। ये क्या चीज़ है, नेफ्रॉन। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन क्या चीज़ होती है और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरह का है। सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये जो चीज़ है इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसका दो पोर्शन है, एक यहाँ तक और एक इससे आगे। इसको जो कहते हैं रीनल कार्पसल और इसको कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये ट्यूब्यूल ट्यूब वाला है इसलिए रीनल ट्यूब्यूल और रीनल कार्पसल। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि इसका, इसके अंदर है क्या क्या चीज़। सबसे पहले ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये क्या है, आर्टरीज आ रही हैं, ब्लड वेसल्स आ रही हैं, खून ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आ रही हैं, और जिसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है, इसके अंदर वेस्ट मटीरियल मौजूद है। यहाँ से खून आता है तो यहाँ पर ये एक कैप्सूल है, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। ये स्ट्रक्चर है और ये इसको पूरे को क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल। और इसके बाद आ जाते हैं ये ट्यूब्स आ जाती हैं। सबसे पहले ये जो पोर्शन है कन्वोलेटेड प्रोक्सिमल एंड, ये कन्वोलेटेड प्रोक्सिमल एंड। उसके बाद आ जाता है ये वाली चीज जो है, ये वाली चीज जो है इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसको क्या कहते हैं, लूप ऑफ हेनले। अब यहां पर भी ये जो लूप है इसके दो पोर्शन है, ये जो लूप है इसके दो पोर्शन है, एक पोर्शन है जो नीचे की तरफ जा रहा है और एक पोर्शन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर भी इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया। ये जो है नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन सा है, नीचे डिसेंडिंग, तो इसको क्या नाम दिया गया, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको क्या नाम दिया गया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक हो गया। इसके बाद जो आखिर पे, इसको क्या नाम देते हैं, डिस्टल प्रोक्सिमल, डिस्टल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल। ये हमारा नेफ्रॉन का जो क्या है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये हमारा क्या है, नेफ्रॉन का आखिरी पोर्शन है। और तमाम नेफ्रॉन्स पूरी किडनी के अंदर ट्रिलियंस की तादाद में नेफ्रॉन्स मौजूद होती हैं, और तमाम नेफ्रॉन्स का जो आखिरी पोर्शन होता है वो सारा किसके अंदर जाकर कलेक्ट होता है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा
न्यूफ्रॉन्स कलेक्ट हो रही हैं, न्यूफ्रॉन्स इकट्ठी हो रही हैं, और ये जो पोर्शन है इसको क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट। तो ये था सिंपल पोर्शन कि यूरिन या फिर वेस्ट मटेरियल ये ब्लड वेसल से निकलता है और यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड एंड, फिर यहाँ से लोपोफेनोले, डिसेंडिंग लोपोफेनोले, असेंडिंग लोपोफेनोले, इसके बाद फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ से फिर किसके अंदर चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। फिर कलेक्टिंग डक्ट चली जाती है किसके अंदर, पेल्विस के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट अपना वेस्ट मटेरियल किसके अंदर भेज देती है, पेल्विस के अंदर, और पेल्विस से जो मैंने आपको पहले बताया था यूरेटर, यूरेटर के अंदर, यूरेटर के जरिए किडनी के, किडनी से सारा का सारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। ये था सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। पहले स्ट्रक्चर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, फिर इसको काट के उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा विदाउट माइक्रोस्कोप, फिर हमने उसको कटे हुए को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर जो उसका सेल, सिंगल सेल है, वो निफ्रॉन है, और निफ्रॉन का स्ट्रक्चर इस तरह का है। ये सिंपल जैसे आम सेल होते हैं, ये भी उसी तरह का सेल है, लेकिन इसकी शेप डिफरेंट है और इसका फंक्शन डिफरेंट है। ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ